सब्सक्राइब कीजिए हेल्पफुल लॉसा चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, हेल्पफुल लॉसा चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप IRCTC से टिकट बुकिंग करते हैं या फिर टिकट बुकिंग का काम भी करते हैं तो ये तीन अपडेट जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। रेल यात्रियों के लिए ये तीन अपडेट न्यूज़ आ चुकी हैं, तो जानने के लिए ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। तीन काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ मैं आपको आज देने वाला हूँ, तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली न्यूज़ की मैं बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पर रेलवे के NTS से ही मिलेगी ट्रेन की रियल लोकेशन। दोस्तों, रियल लोकेशन के लिए बहुत सी ऐप का यूज़ करते थे, लेकिन ये आपको न्यूज़ दिखा देता हूँ। ट्रेनों की सही लोकेशन जानने के लिए पैसेंजर मोबाइल ऐप की मदद लेते हैं, लेकिन कई बार ऐप में दिख रही जानकारी गलत निकलती है, जिस कारण पैसेंजर की ट्रेन छूट जाती है। पैसेंजर की लगातार आ रही शिकायतों के बाद रेलवे ने सही ऐप की जानकारी यात्रियों तक पहुँचाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, रेलवे ने यह साफ कर दिया है कि अगर आप NTS जो ऐप है इसके अलावा अगर कोई भी ऐप यूज़ करते हैं तो आपको सही जानकारी नहीं मिलेगी, इसका जिम्मेदार रेलवे नहीं होगा। अगर आप NTS ऐप यूज़ करते हैं तो आप लाइव ट्रेन लोकेशन देख सकते हैं, इसी ऐप के ऊपर आपको सही जानकारी मिलती है और कोई ऐप के ऊपर आपको सही जानकारी नहीं मिल पाएगी। दोस्तों, पहली न्यूज़ तो ये हो गई। दूसरी अपडेट न्यूज़ आपको दिखा देता हूँ, भीड़ से पहले टिकट लेने वाले सस्ते में करेंगे रेल यात्रा। दोस्तों, जैसे कि फ्लाइट का टिकट होता था, आप एक महीना पहले या दो महीना पहले बुक करते हैं तो काफ़ी सस्ता मिल जाता है, उसी तरह से आप ट्रेन का भी टिकट अब एक दो महीना पहले बुक करेंगे तो सस्ता मिलेगा, और एंड टाइम पर बुक करेंगे यानी कि जर्नी डेट के आसपास अगर बुक करेंगे तो आपको महंगा मिलेगा टिकट। अगर कुछ सीटें खाली रह जाती हैं तो सस्ता मिलेगा, अगर सीटें ज़्यादा नहीं खाली रह जाती हैं तो आपको महंगा टिकट लेना पड़ेगा। अगर पहले बुकिंग कराते हैं तो अब आपको सस्ता टिकट मिलेगा। एक छोटी सी लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ आपको और दिखा देता हूँ, ATM से मिलेंगे जर्नल टिकट, अप्रैल से शुरू होगा इसका ट्रायल। दोस्तों, ATM से टिकट निकलने वाली बात बहुत दिनों से चल रही थी, लेकिन अब इसका ट्रायल शुरू होने वाला है, अप्रैल से ट्रायल शुरू हो जाएगा, उसके बाद आप ATM मशीन से भी जनरल टिकट निकाल सकते हैं। तीसरी लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ जो आ रही है वो रेलवे में पार्सल बुकिंग के लिए अब पहचान पत्र यानी कि आधार कार्ड आपका अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आधार कार्ड नहीं है या कोई भी पहचान पत्र नहीं है तो रेलवे अब आपको बुकिंग नहीं देगा पार्सल की। तो पार्सल की बुकिंग का काम करते हैं या कोई भी अगर आप पार्सल भिजवाते हैं रेलवे के माध्यम से तो आपको अपना पहचान पत्र देना पड़ेगा या आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा, तभी आपको ये सुविधा मिल पाएगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन दिखेगा, उसको दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बगल में घंटी का निशान आएगा उसको भी दबाकर आप नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। अगर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या दे सकते हैं, और अगर लाइक और शेयर नहीं किया है अभी तक वीडियो को तो लाइक और शेयर भी कर दिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।